अखिल भारतीय किसान सभा के महाराष्ट्र इकाई ने 20 फरवरी को जो किसान लॉन्ग मार्च दूसरा ये निकालने का जो निर्णय लिया था पिछले दो दिन ये लॉन्ग मार्च बहुत ही कामयाबी के साथ ये चला करीबन तीस हज़ार से ज़्यादा किसान उसके अंदर शरीक हुए पूरे महाराष्ट्र से और कल मध्यरात्रि को आखिर में सरकार को झुकना पड़ा और हमारे साथ में पूरी तरह से एक लिखित जो समझौता है वो उनको हमको पेश करना पड़ा आ, इसका लोग पूछते हैं कि ये दो दिन में सिर्फ कैसे ख़त्म हुआ पिछले बार तो छः सात दिन आपका लॉन्ग मार्च चला था उसका कारण ये है कि पिछले बार छः दिन तक हम लोग चलते रहे लेकिन भाजपा की सरकार ने आ, बिल्कुल इसको नज़रअंदाज किया बिल्कुल इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ये उनका ये पूरी तरह से इनसेंसिटिव नेचर पिछले साल उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शित किया इस बार लेकिन पिछले किसान लॉन्ग मार्च को जो जबरदस्त प्रतिसाद मिला और उसको एक पूरे जनता ने जो समर्थन किया इसकी वजह से इस बार चार फरवरी को महाराष्ट्र किसान काउंसिल ने ये लॉन्ग मार्च का निर्णय जब लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके जब हमने ऐलान किया उसके बाद तुरंत सरकार जाग उठी और मुख्यमंत्री जी ने दो बार हमें चर्चे के लिए बुलाया लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले ही 11 फरवरी को एक बार 17 फरवरी को पूरा फिल फुल मीटिंग उन्होंने लिया पूरे मंत्री अधिकारी इनके साथ और किसान सभा के नेतृत्व के साथ काफ़ी चीज़ वहाँ तय हुई लेकिन कुछ चीज़ अनिर्णित रही इसलिए हमने कहा 20 फरवरी को हम ये मार्च बिल्कुल निकालेंगे पूरी तैयारी तो चालू थी चार फरवरी से लेकर पूरे महाराष्ट्र में चालू थी और उन्होंने फिर 20 फरवरी और उसके पहले दमन का रास्ता ये बीजेपी के सरकार ने उठाया और वो रास्ता हमारे जो राज्य सेक्रेटरी है डॉक्टर अजीत नवले इनके ऊपर पूरी तरह से गलत इस प्रकार का मुकदमा उन्होंने दर्ज किया उनको गिरफ्तार करने की साजिश की उनको हमने कहा कि भूमिगत आप जाइए क्योंकि उनको वो लॉन्ग मार्च के सामने उनको रोक देना था लेकिन अहमदनगर के ज़िले के हमारे जो अजीत नवले का ज़िला है वहाँ के कार्यकर्ताओं को बहुत हैरेसमेंट किया लेकिन सबसे बुरी बात उन्होंने जो की वो मार्च के पहले दिन 20 फरवरी को ठाणे और पालघर ज़िला जो हमारा एक बहुत मज़बूत ज़िला है नासिक के साथ ठाणे पालघर ज़िले से आने वाले दस हज़ार से ज़्यादा किसान जो नासिक आ रहे थे इस लॉन्ग मार्च के लिए उनको पुलिस ने अलग अलग जगह में रोक डाला शाहपुर में रोका डाणू में रोका जवाहर विक्रमगढ़ में रोका और उसके मुताबिक ये सब हुआ तो ये आखिर में उनको छोड़ना पड़ा उनको रात को सब लोग इकट्ठा हुए उस दिन रात को गिरीश महाजन जी के साथ फिर से हमारी चर्चा हुई हमने उनको कहा कि ये आपका लिखित अगर एग्रीमेंट हमारे पास नहीं होगा तो ये लॉन्ग मार्च बिल्कुल हम वापस नहीं लेंगे उन्होंने बहुत हमको प्रार्थना की कि वे लॉन्ग मार्च मत निकालिए नासिक में ही रुकी है मैं दोपहर तक आता हूँ लिखित अग्रीमेंट लेके लेकिन हमने कहा कि किसान सभा ऐसी कोई जैसी वैसी संगठन नहीं है हमने डिक्लेयर किया है लॉन्ग मार्च निकलेगा और पुलिस ने तो परमिशन नहीं दिया था लॉन्ग मार्च के लिए फिर भी तीस हज़ार किसान 21 फरवरी को सुबह 10 बजे चल पड़े नासिक से और उसके मुताबिक बीस एक किलोमीटर चले आखिर में सरकार के प्रतिनिधि आए दो मंत्री आए उन्होंने लिखित ड्राफ्ट लाया उसके अंदर काफ़ी तब्दीली हमने की क्योंकि वो ड्राफ्ट में जो कुछ उन्होंने कबूल किया था वो भी उसके अंदर नहीं लिखा था वो उसके मुताबिक उनको वो बदल करने पड़े उसके अंदर और दो तीन घंटे के बाद फिर से चर्चा होने के बाद आखिर में जो हमारी पंद्रह उसके अंदर डिमांड थी लगभग सभी मांगों को उन्होंने मान्य किया उसके अंदर लिखित रूप में दिया लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो उन्होंने करना पड़ा उनको कि पिछले पूरा साल भर उन्होंने उसका रिव्यू लेने के लिए एक भी मीटिंग किसान सभा के साथ ली नहीं थी हमारे लगातार कहने पर भी इस बार उनको ऐलान करना पड़ा पूरे मीडिया के सामने हमारा जो मांग था कि हर दो महीने में ये जो एग्रीमेंट किया है उसको लागू होता है या नहीं इसके बारे में किसान सभा के साथ खुद मंत्री अधिकारी और किसान सभा का नेतृत्व ये उनके अंदर एक रिव्यू मीटिंग हर दो महीने में होगा ये भी उनको आज पब्लिकली कबूल करना पड़ा है हम आखिर में ये करना चाहते हैं कि एक बात ये तो अच्छा हुआ बड़ी जीत हुई महाराष्ट्र के किसानों की लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा ख़तरा आज हमारे ऊपर मंडरा रहा रहा है वो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का आदिवासियों को हटाने का बात जो है और ये इसके खिलाफ़ भी हमने कल ही ये किसान लॉन्ग मार्च की जो आखिरी सभा हुई मध्य रात्रि तक वो चली उसके अंदर हमने ऐलान किया कि ये मोदी सरकार के वकील वहाँ नहीं थे इसलिए इस प्रकार का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लिया ये हमने सबके सामने रखा और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा मुहिम और बहुत बड़ा संघर्ष आगे के दिनों में होगा हमारा ये कहना है कि मोदी सरकार आज भी किसानों के अंदर उनकी पूरी तरह से ये गई है लोग नहीं मानते जो उन्होंने कर्ज़ा माफ़ी और जो लागत खर्चे के डेढ़ गुना दाम ये जो 2014 में उन्होंने कहा था कि हम करेंगे पाँच साल में कुछ नहीं किया और आज छः हज़ार रुपया किसानों को और वो भी सबको नहीं ऐसा देने का वो लोग करते हैं ये है हर दिन हर आदमी को जिनको कुछ मिलेगा तीन रुपया और तैतीस पैसा देने की बात है यानी ये बात पूरी तरह से धोखा है पूरी तरह से जुमलेबाजी है चुनाव के बारे में और लोग हमारे किसान इसको बिल्कुल देखेंगे और आने वाले लोकसभा चुनाव में जैसे राजस्थान में हुआ जैसे मध्य प्रदेश में हुआ जैसे छत्तीसगढ़ में हुआ ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी के सरकार को आज देश का किसान ज़रूर हराएगा और ये हमारा जो किसान लॉन्ग मार्च जो अभी हुआ तो उसमें ज़रूर ये पूरे संघर्ष को फायदा होगा ये हम पूरी तरह से मानते हैं